आज हम वेल्थ क्रिएशन टिप के बारे में बात करेंगे। बहुत बार बिजनेस ओनर्स मुझे पूछते हैं वेल्थ क्रिएशन के बारे में, तो मेरा उनसे एक जवाब होता है, उन्हें मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जितना भी कमा रहे हैं उसका मिनिमम 1/3 आपने सेविंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने का 1 लाख रुपये कमा रहे हैं तो 33,000 रुपये, 33,000 यू मस्ट सेव। 10 लाख कमा रहे हैं तो 3,33,000 सेव करो। तो आपका सेविंग, मंथली सेविंग कम से कम 1/3 होना ही चाहिए। हमारे यहाँ पे SME बिजनेस ओनर्स के साथ पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम होता है, वो ये होता है कि वो कितना कमा रहे हैं इसका उन्हें पता ही नहीं होता है। SME बिजनेस ओनर्स डू नॉट नो हाउ मच दे आर अर्निंग ऑन अ मंथली बेसिस, दे जस्ट नो इट ऑन रफ बेसिस, बट दे डू नॉट हैव एनी एग्जैक्ट फिगर्स। एंड हेंस व्हेन आई से टू इन्वेस्ट 1/3, एटलीस्ट 1/3, दे डू नॉट नो हाउ मच टू कैलकुलेट दिस 1/3। तो मित्रों, मेरा ये मानना है कि वेल्थ क्रिएशन अगर आपको करना है तो वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने अकाउंटिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अकाउंटिंग के ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट है कितना और उसमें से कितना सेव करना है। अगर आप अंदाज से काम करेंगे तो काम होगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, लेकिन उस केस में आपको बिजनेस में कैश क्रंच फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप अंदाज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और अंदाज से जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा। पैसा बाहर जाने के बाद हो सकता है कभी कुछ महीनों में ऐसी स्थिति आएगी कि आपको लगेगा कि बिजनेस में पैसा ही नहीं है, सप्लायर के पेमेंट करना है पैसा नहीं है, GST भरना है पैसा नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है वो कम कर देंगे। इन्वेस्टमेंट का पोर्शन कम करने के बाद आपके पास कैश अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद कभी कभी ऐसा होगा कि आप एक आधे महीने में इन्वेस्टमेंट ही ना करें, और ये अगर इस तरह से आप काम करना शुरू कर देते हैं तो जो डिसिप्लिन हम सेट करना चाहते हैं वो डिसिप्लिन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर से आप वहीं पे आ जाएंगे जहां पे आप थे। और अल्टीमेटली मैंने ये देखा है कि कई सारे बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक बिजनेस करते हैं लेकिन कोई वेल्थ क्रिएशन उनकी ज़िंदगी में नहीं होता है, कोई वेल्थ वो क्रिएट कर नहीं पाते। और इसका एक ही कारण है जो है, वो है फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन। इसको अगर हिंदी में हम कहें तो इसको हिंदी में कहा जाता है वित्तीय अनुशासनहीनता, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन आसान है। सो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज द की टू वेल्थ क्रिएशन। वंस अगेन आई एम टेलिंग इट टू यू दैट यू मस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट 1/3 ऑफ योर नेट प्रॉफिट एवरी मंथ, एंड फॉर दैट पर्पज यू नीड टू नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ योर नेट प्रॉफिट पर मंथ, एंड फॉर दैट पर्पज यू नीड टू फोकस, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर अकाउंटिंग। व्हेन आई से यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन योर अकाउंटिंग, इट डजंट मीन दैट आई एम आस्किंग यू टू बिकम एन अकाउंटेंट। No, you are not an accountant, you are a business owner, but you must ensure that your accounting is being done on a regular basis and you are getting the reports on timely basis. So friends, once again I am telling it to you, please save at least 1/3 of your income every month. Thank you.